पाठ दो, आकाश में एक घर। एक गरीब आदमी था। वह हमेशा अमीरों का मजाक उड़ाया करता था। कभी कभी वह राजा का भी मजाक उड़ाने लगता था। इस बात से राजा उस आदमी से नाराज रहता था। एक बार राजा ने उस आदमी को बुलवाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, क्या तुम मेरे लिए 3 दिन के अंदर आकाश में घर बना सकते हो? तुम्हें जितने आदमियों की जरूरत होगी उतने तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तुम आकाश में घर नहीं बना सके तो मेरे सिपाही तुम्हें मार देंगे। मैं आकाश में घर बना दूंगा, उस आदमी ने कहा और अपने घर चला गया। इस समस्या का हल सोचने लगा। सोचकर उसने एक पतंग बनाई और उसमें एक छोटी सी घंटी बांध दी। एक बड़े से धागे के सहारे पतंग को एक पेड़ की ऊंची डाली पर बांध दिया। अगले दिन लोगों ने आकाश में एक काला धब्बा देखा और घंटी की आवाज सुनी। राजा ने भी वह धब्बा देखा। वह आदमी राजा के पास आया और बोला, आकाश में घर बनाने का काम मैंने शुरू करवा दिया है। आप घंटी की आवाज सुन रहे हैं? मजदूर घंटी बजाकर कुछ चीजें मांग रहे हैं। आप अपने सिपाहियों से कहिए कि आकाश पर चढ़कर मजदूरों तक वे चीजें पहुंचा दें। राजा ने पूछा, मेरे सिपाही आकाश पर कैसे चढ़ेंगे? आदमी ने कहा, वहां तक जाने का एक रास्ता है। राजा के आदेश पर सिपाही उस आदमी के साथ गए। आदमी सिपाहियों को पेड़ के पास लेकर गया और पेड़ में बंधे धागे को दिखाते हुए उसने कहा, यही वह रास्ता है जिससे तुम लोग आकाश पर जा सकते हो। सिपाहियों ने धागे पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उस पर चढ़ नहीं पाया। वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, कोई आदमी आकाश पर नहीं चढ़ सकता। राजा ने जवाब दिया, ठीक कहते हो, आकाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। उसी समय वह आदमी बोल पड़ा, ओह महाराज, अगर आप इस बात को जानते थे तो आपने मुझे आकाश में घर बनाने को कैसे कह दिया? राजा इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। वह आदमी पेड़ पर से पतंग उतारकर अपने घर चला गया।